कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहां जहां मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का, और वे लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहां जहां मैं गई वहां पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वालंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए ₹10,000 का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ, अच्छा, सॉरी। तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है।
इसी तरह से स्नातक पास जो स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे, ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाए। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा के की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है 2014 के बाद से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं को के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो ये देश बदल सकता है। तो ये जो जातिवाद सांप्रदायिक जो राजनीति है ये खत्म हो सकती है। तो मैं आग्रह करना चाहती हूँ सारी महिलाओं से, अपनी सारी बहनों से, कि एक बहुत बड़ा मौका है, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और उसको इस्तेमाल करना है। विकास की राजनीति को लाइए इस देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए घरेलू क्षेत्र में मान्यता और सशक्तिकरण के लिए आप सब जानते होंगे एनएसएस रिपोर्ट में ये आया है कि भारतीय महिलाएं अवैतनिक घरेलू कामों में 5 घंटे हर रोज कम से कम करती हैं, काम करती हैं, और इसके साथ साथ भारतीय पुरुष अवैतनिक घरेलू कामों में सिर्फ 1.5 घंटा प्रतिदिन करते हैं। तो ये बहुत इम्बैलेंस है, समाज में भी है। राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए हम मुफ्त यात्रा दिलवाना चाहते हैं। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। प्रत्येक बुजुर्ग महिला और विधवा को 1000 रुपए का मानसिक पेंशन मिलेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के साथ साझेदारी में 10 विश्व स्तरीय आवासीय खेल अकेडमी महिलाओं के लिए हम बनवाएंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए 1 FD सावधि जमा बनवाई जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे से निपटने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता की नई योजना बनेगी जिससे जिन महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें समर्थन मिले, उनके लिए एक पॉइंट हो जहां वो जा सकती हैं, मदद मांग सकती हैं, जहां पे दूसरी महिलाएं उनको ठीक तरह से समझा सकती हैं और जो उनके हक हैं उनसे अवगत कर सकती हैं और उनके जो अधिकार हैं और जो लीगल टर्म्स हैं। सुरक्षा के लिए मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, शायद सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की क्या हालात है। यहाँ पे एक ऐसा दिन नहीं बीतता जहाँ कोई महिला मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि उसके साथ कितना अत्याचार हुआ है और कितना शोषण हुआ है। एक दिन नहीं बीतता, हर रोज कोई ना कोई आके कहता है कि मेरे साथ ये हुआ है, ना प्रशासन से मदद मिल रही है ना पुलिस से मिल रही है। और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि प्रशासन और पुलिस मदद अपराधियों की करती है क्योंकि अपराधी ज्यादातर
सत्ताधारी होता है या फिर जो सत्ता में है उनके साथ उनका कोई रिलेशनशिप होता है या उनकी जान पहचान के होते हैं। तो हमने बार बार ये देखा है, तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये चीजें इनमें सख्ती आए। उसके लिए पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरियां देने का हमने घोषणा की है और हर थाने में महिला कांस्टेबल होनी चाहिए। बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन में यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 4 का पालन न हो तो अधिकारी के निलंबन का एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि हमने ज्यादातर केस ऐसे देखे हैं जहां पे FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है क्योंकि साठगांठ होती है, या फिर जैसे मैंने कहा जिसने अत्याचार किया है उसका सत्ता के साथ कोई एक्सेस होता है तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। तो इसमें हम चाहते हैं कि एक कानून बनाया जाए कि ऐसे केसेस जो हैं इसमें अगर किसी ने FIR दर्ज नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा, सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। तो हर जिला में एक ऐसा प्रकोष्ठ होगा हर जिले में जहां आपको कानूनी सहायता मुफ्त मिल सके और आपको कानूनी सलाह मिल सके अगर आप पर इस तरह के अत्याचार किए गए। सेहत के लिए जैसे हमने पहले भी ऐलान किया है, कोई भी बीमारी हो तो 10 लाख रुपए तक सरकारी इलाज मुफ्त किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे PHC और CHC को मजबूत किया जाने के लिए। अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मानसिक धर्म से संबंधित वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति होगी। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए प्रत्येक PHC में एक अलग महिलाओं द्वारा संचालित स्वास्थ्य शक्ति केंद्र दिया जाएगा, बनाया जाएगा खास महिलाओं के लिए, जहां पे सिर्फ महिला उसको संचालित करेंगी और वहां महिला डॉक्टर भी उपलब्ध होंगी। तो ये स्वास्थ्य के लिए थी। ये मोटी मोटी है जो हमने पॉइंट्स हमने अपने घोषणा पत्र में डाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी बहुत सारी ऐसी, ये हमारा घोषणा पत्र है। यहाँ की वहाँ जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आलाय। लखनऊ मधून काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी आता पत्रकार परिषद घेत होत्या। प्रियंका गांधी यांच्याकडून जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आलाय।